खबर उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से है, जहां आज भारत नेपाल सीमा के बढ़नी कृष्णा नगर बॉर्डर पर नेपाल के कस्टम विभाग ने अवैध तरीके से ले जाया जा रहा एक ट्रक कपड़ों की बड़ी खेप पकड़ा है। कपड़े की ये खेप भारतीय सीमा क्षेत्र में 3 लेयर में लगी सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देकर नेपाल पहुँच गया था। करीब 1 करोड़ रुपए के नेपाल में बरामद ये कपड़े का ट्रक ने कंटेनर की तरह बने बॉडी में छिपाकर ले जाया जा रहा था। कंटेनर के आगे के हिस्से में गैस चूल्हे रखे हुए थे, जबकि उसके पीछे करीब 193 कीमती कपड़ों के गट्ठर रखे हुए थे, गैस चूल्हे की आड़ में छुपाकर ले जा रहे थे। कपड़े के ये बंडल भारतीय सीमा में कस्टम विभाग के पैनी नज़र से कैसे निकल गए, इसकी जवाबदेही के लिए कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। पुलिस सीमा और काम का अधिक प्रेशर होने की वजह से तस्कर अक्सर इस तरह की स्मगलिंग करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि उन लोगों की कोशिश रहती है कि भारतीय अधिकारियों से सामंजस्य बनाकर इस तरह की तस्करी की गतिविधियों पर काबू पाया जा सके। ये पहले से तो जानकारी नहीं थी। दिल्ली से एक ट्रक आया था, उनमें जो लोग वो लाए थे उन्होंने बोला कि इसमें गैस चूल्हा है। गैस चूल्हा में तो वो विभिन्न डिफरेंट टाइप के गैस चूल्हा होते हैं, ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक, मैनुअल, वो होता है। हमने ये देखना चाहा कि उनमें कैसा गैस चूल्हा है, ऑटोमेटिक भी है और सेमी ऑटोमेटिक, ऐसा हमने उसको छानबीन करना चाहा। जब हमने वो बोला तो उसका ड्राइवर जो है ना, जो लोग है वो, उन्होंने बताया कि वो भाग गया। उसमें हमको ज़्यादा शंका लगा और उसमें हमने छानबीन किया। छानबीन करने के बाद जब हमने गैस चूल्हा अनलोड करके देखा तो उसमें कपड़ा था, उसी तरह हमने पकड़ा, आशंका के आधार पर हमने पकड़ा। ये कितने का, उसमें जो कपड़े थे वो कितने के करीब थे, कितने के तो उसका गिनती अभी नहीं हुआ है। उसमें हमने 249 गैस चूल्हे और 193 गांठ कपड़े हमने बरामद की है। उसका गिनती आज से शुरू होगा, कई दिन के बाद, दो तीन दिन के बाद हम वो बता सकेंगे। कुछ लमसम में कितने तक के कपड़े को हो सकते हैं? अभी नहीं बता सकते। उसमें अंदर क्या कैसा कपड़ा है, उसके क्वालिटी कैसा है, शर्टिंग शूटिंग और लेडीज सूट कोई वो क्या है, अब उसको देखना पड़ेगा। ये जो गैस चूल्हे के नाम पे जो आ रहा था वो कौन सी फर्म थी, कहाँ से आ रहा था, कहाँ जा रहा था? ये इंडिया के अरब इंटरप्राइजेस ने वो भेजा था, नेपाल के सुलभ ट्रेडर्स को, काठमांडू के सुलभ ट्रेडर्स को भेजा था। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।